गाइस, दिस इज कृष्णा लोहान एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं राज्यसभा से संबंधित बातें, राज्यसभा का गठन, कार्य शक्तियां, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए वो भी, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी। क्वेश्चन भले ही छोटा है लेकिन इसमें जो जानकारी है वो आपके क्वेश्चन को लेंथी बनाएगी, और ऐसे टाइप क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि आपको डिटेल उसकी देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब करते हैं राज्यसभा के बारे में आज पढ़ेंगे। राज्यसभा जो है लोकसभा के बाद आती है और इसको बोला जाता है ऊपरी सदन। निम्न सदन होता है लोकसभा। इसकी रचना देख लीजिए, 250 सदस्य इसमें होते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी इनको तो चुना जाता है और ये मनोनीत होते हैं। चुनाव का मतलब क्या है, जिसमें जनता भाग लेती है, और मनोनीत क्या होते हैं, जिसमें आपसी सहमति से उनको चुन लिया जाता है। अब ये 12 मनोनीत कौन होते हैं, जिनको राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा से जुड़ा होने के कारण इनको राज्यसभा में लेता है, क्योंकि इनको बहुत ही गहन जानकारी होती है क्षेत्रों से रिलेटेड। समाज सेवी भी होते हैं इनको, आर्ट, लिटरेचर और साइंस से जुड़ी जानकारी भी होती है, इस वजह से कैपेबल होते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के। चौथी सूची में इसका वर्णन किया गया है, किस चीज का, कि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे सदस्य जो भिन्न भिन्न विभागों से स्पेशलिस्ट हैं। फिर योग्यताओं की बात अगर आती है तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए, लोकसभा में कितनी थी 25, और इसमें राज्यसभा में इस आयु जरूरत है 30 वर्ष की, यानी कि एक सदस्य की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी भी सदन की योग्यता अगर रखता है तो ठीक है, अगर पहले से सदस्य है तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो किसी भी सदन का सदस्य पहले से नहीं है तो उसको इसकी योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, यानी किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़कर वहां जीतना और फिर राज्यसभा के मेंबर बनने के योग्य होना। इसके बाद भी अगर बनने के बाद वो 60 दिन लगातार एब्सेंट रहता है तो उसकी पोस्ट को खाली माना जाएगा, यानी कि उसको रिलीव कर दिया जाता है, उसके स्थान पर फिर किसी जो दूसरे नेता या मंत्री का चुनाव है जो किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पे हिंदी, पॉलिटिकल और इंग्लिश से रिलेटेड सारे कंटेंट, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं आपके एग्जामिनेशन स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब बात आती है कार्यकाल की। लोकसभा का कार्यकाल कितना था, 5 साल। राज्यसभा का कार्यकाल है 6 साल का, यानी कि 6 वर्ष। इसमें 1/3 सदस्य हैं जो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, ये इसकी बहुत यूनिक जो स्पेशलिटी है, खास बात है कि जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। 6 महीने में अधिवेशन जरूरी होता है करना, यानी कि राज्यसभा में 6 महीने के अंदर अंदर अधिवेशन करना जरूरी होता है। अगर अधिवेशन नहीं होता है तो राज्यसभा को राष्ट्रपति की सलाह पर भंग किया जा सकता है, यानी मुख्यमंत्री कहेगा तो। अब इसका सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का सभापति कौन था, स्पीकर ओम बिरला जैसे। अब यहाँ पे सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जिसका वेतन 1,25,000 होता है, यानी राज्यसभा के उपसभापति का वेतन 1,25,000 होता है। अब इसकी शक्तियां और कार्य देख लीजिए। विधायी शक्तियां क्या होती हैं, कि इसमें कानून से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि जितनी भी सूचियां हैं एक राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची हैं, उस पर राज्यसभा के सदस्यों को कानून बनाने, पारित करवाने का अधिकार होता है। इसमें एक काम नहीं होता जो लोकसभा में होता है, यानी धन विधेयक के अलावा इसमें सारे बिल पास होते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है, उसमें उसकी जो है सिफारिश की जाती है, उसमें उस पर गहन विचार किया जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक का कोई
राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक जो है पास नहीं किया जा सकता, ना ही इस पे कोई डिस्कशन होता है। यानी धन विधेयक से अलग हर तरह के जो इसमें प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं, हर तरह का इसमें बिल पास किए जा सकते हैं। फिर है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही सलाह मशवरा करके किसी भी कानून को पास करते हैं। न्याय संबंधी, राज्यसभा में न्याय संबंधी जो कानून होती है इसको, या फिर शक्तियां प्राप्त होती हैं राज्यसभा के सदस्यों को। यानी इसमें जो तीनों मतलब न्याय संबंधी हमारे न्यायालय हैं, राज्यसभा में उनके सदस्यों का चुनाव करना, जैसे कि मेन मुख्य जज जज होता है, मुख्य न्यायाधीश है, या उससे नीचे न्यायाधीश होते हैं, उन सब का चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्यों की सलाह मशवरे से होता है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। राज्य में राज्यपाल और केंद्र के तौर पर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। संवैधानिक शक्तियां इसमें हैं कि किसी भी कानून से रिलेटेड, अगर किसी भी कानून से रिलेटेड या धारा से रिलेटेड या उसमें संशोधन करने से रिलेटेड अगर कानून बनाया जाता है तो वो राज्यसभा में बनता है। निर्वाचन संबंधी समस्याएं या फिर मुद्दे भी इसी में उठाए जाते हैं। किसी का चुनाव अगर कराना है, कहाँ कराना है, सारी डिटेल, उसमें कितना पैसा लगना है, सारी चीजें जो इसमें राज्यसभा में ही होती हैं। तो दोस्तों ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन राज्यसभा से रिलेटेड। राज्यसभा को ऊपरी सदन बोला जाता है, इसका उपसभापति या सभापति बोल सकते हो आप, उपराष्ट्रपति होता है। 1,25,000 उसकी सैलरी होती है, इसकी 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 250 सदस्य इसमें राज्यसभा में होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। बस ये मेन चीजें आप ध्यान रखिए, बाकी ये विधायी शक्तियां ये सारी चीजें तो सेम लोकसभा जैसी ही है। सिर्फ एक ही बात है कि इसमें धन विधेयक नहीं होता है, धन विधेयक का बिल इसमें पास नहीं होता, वो लोकसभा में होता है। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, तो आप ध्यान रखिए और इसको याद कीजिए।